अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है व्यूवर्स? उम्मीद है कि आप ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे, अल्लाह की रहमतें और बरकतें समेट रहे होंगे, अल्लाह रब्बुल इज्जत के दिए हुए रिस्क से लुत्फंदोज़ हो रहे होंगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत आपके रिस्क में बरकत दे, आपके खानों का जायका सलामत रखे, आपको तंदुरुस्ती और ईमान वाली ज़िंदगी दे, आपके प्यारों को अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे, हमारे प्यारे वतन पाकिस्तान की हिफाजत फरमाए, हमारे इदारों को मजबूत बनाए, हमें अपने प्यारे वतन पाकिस्तान के साथ अपने अदारों के साथ मुखलिस और वफादार रहने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बिल आलमीन। मैं बनाने लगी हूँ आलू बैंगन का सालन। ये मेरे पास 2 किलो बैंगन है, आधा किलो मेरे पास आलू है, 1 बड़ा टमाटर है मेरे पास, 1 बड़ा प्याज है, अदरक है, सब्ज़ मिर्च है कटी हुई, और साथ में मैंने जो लहसुन है उसको भी मैंने इस तरह काट लिया है। चलिए हम शुरू करते हैं अब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मेरे पास ऑयल है, 1 कप तकरीबन इसमें ऑयल जाएगा। हाँ जी जनाब, ये प्याज है, इसमें मैं प्रेशर में बनाऊंगी क्योंकि ये जल्दी बन जाएगा प्रेशर में और मज़ेदार भी बन जाता है। लहसुन और अदरक दोनों चीज़ें इसमें मैं ऐड कर रही हूँ। ये जनाब टमाटर है, ये 1 चम्मच इसमें हल्दी, 2 चम्मच नमक, 1.5 चम्मच इसमें सुरख मिर्च है, 1/2 चम्मच पानी का छींटा लगा दूँ। बैंगन की मैंने कटिंग कर ली है। मसाला हमारा इंडिया है, बैंगन, बैंगन हमारे देखें कि भूनने के साथ ही गलना शुरू हो गए हैं, बस हम प्रेशर बंद नहीं करेंगे। जो बैंगन का अपना पानी है उसमें मैंने आलू ऐड कर दिए हैं साथ। आलू बैंगन का सालन माशाल्लाह से हमारा तैयार हो गया है। पहले तो हमने प्रेशर लगाना चाहा था, लेकिन जब मैं इसको भूनने लगी तो ये बैंगन बहुत जल्दी गल गए, फिर मैंने प्रेशर को बंद नहीं किया, मैंने वैसे ही रहने दिया। अब मैं शॉर्ट करने लगी हूँ। आलू बैंगन का सालन बन गया है, बहुत मज़ेदार बना है। अब हम कुछ पंजाबी में बात करें। मेरे को 2 किलो बैंगन थी, तकरीबन 1/2 किलो मेरे को आलू सी, 1 पाव ऑयल सी, और जो मेरे पास शीशे का मग है वो 1 पाव का है, 1 बड़ा प्याज सी, 1 टमाटर सी, लहसुन थे अदरक सी कटा हुआ, सब्ज़ मिर्च सी। मैं पहले इन्हें भून लिया मसाले, उस तो बाद में इसमें बैंगन डाल देते। बैंगन थोड़े जे गल गए थे, मैं साथ ही आलू डालते। पहले तो मैं सोचा कि प्रेशर लगा देंगे, लेकिन माशाल्लाह बैंगन बहुत मज़ेदार थी, बहुत सॉफ्ट बने, इस वास्ते मैं फिर प्रेशर बंद ना किया। तो तकरीबन 10 मिनट के फिर साढ़े आलू बैंगन का सालन तैयार हो गया। तो साड़ी रेसिपी में फॉलो करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, अच्छे अच्छे कमेंट्स करो। बाकी अल्लाह रब्बुल इज्जत को दुआ है, अल्लाह रब्बुल इज्जत साढ़े अपनी रहमत कर, बीमारियां नू साढ़े कोलों दूर कर दे, साढ़े मुल्क चो पूरी दुनिया तो दूर कर दे। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बिल आलमीन।